नमस्कार, मैं शुभकरण सहायक आचार्य EFM श्री राधे श्याम मुरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। आज हम BCOM पार्ट 3rd ईयर के विद्यार्थियों के लिए बिजनेस बजटिंग में EFM पेपर 2nd का अध्ययन करेंगे, जिसमें यूनिट संख्या 3rd में वेरिएंसेस में सेल्स वेरिएंस से संबंधित प्रश्न का हम अध्ययन करेंगे। सेल्स वेरिएंस से संबंधित प्रश्न अधिकतर आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं। आवश्यक नहीं कि आपके एग्ज़ाम में इनसे संबंधित प्रश्न आए, क्योंकि सेल्स वेरिएंस से संबंधित प्रश्न की तुलना में मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस बहुत ही उपयोगी टॉपिक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में इनसे संबंधित प्रश्न अधिकतर पूछ लेते हैं। तो आज हम एक अनसोल्व्ड क्वेश्चन है जो सेल्स वेरिएंस से संबंधित प्रश्न का अपन आप अध्ययन करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम का अनसोल्व्ड क्वेश्चन भी है, जो कि क्वेश्चन संख्या है 9.33। कैलकुलेट सेल्स वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, जिसमें है नंबर ऑफ यूनिट बजटेड 6,48,400 और सेलिंग प्राइस है 30 और एक्चुअल 40। यहाँ पर हम सेल्स वेरिएंस की ज्ञात करें तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, पहला तो हम सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस ज्ञात करेंगे, तो एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड सेल्स। एक्चुअल सेल्स हम निकालेंगे 4,800 × 40, को गुणा करके माइनस बजटेड सेल्स आ जाएगी 6,000 × 30, 192,000 माइनस 180,000 बराबर 12,000 यहाँ पर फेवर में आ गया। तो ये अपनी सेल्स वॉल्यूम या सेल्स को वॉल्यूम सेल्स भी कर सकते हैं, इसमें सेल्स वैल्यू वेरिएंस भी याद कर सकते हैं, सेल्स वैल्यू वेरिएंस के द्वारा भी ये। तो पहला तो अपना सेल्स वैल्यू वेरिएंस की गणना की, दूसरे में सेल्स प्राइस वेरिएंस बराबर एक्चुअल प्राइस माइनस सेल्स प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल प्राइस यहाँ पर हमारे पास है 40 और सेल्स प्राइस है यहाँ पर 30 इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, नहीं एक्चुअल क्वांटिटी है 4,800। तो ये अपनी आ जाएगी 48,000 फेवर। तीसरा वेरिएंस भी इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सेल्स वैल्यू वेरिएंस। सेल्स वैल्यू वेरिएंस में एस सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस भी कहते हैं, लेकिन इसे वैल्यू वेरिएंस सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी बजटेड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी में बजटेड क्वांटिटी हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी जी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पर हमारे पास 4,800 है, बजटेड क्वांटिटी 6,000 है और सेल्स प्राइस है यहाँ पर 30, तो 36,000। तो इस प्रकार सेल्स वेरिएंस एक छोटा सा प्रश्न है, जिनका हमने आज इसके एक छोटे से उदाहरण के रूप में किया, तो इसकी हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन की बात करें वेरिफिकेशन में मुख्यतया विभिन्न प्रकार वेरिफिकेशन हम करेंगे, तो SVV बराबर SPV बराबर SVV, तो दोनों का योग यहाँ पर 48,000 प्लस 36,000,
48 और 36 हज़ार को जोड़ने पर यहाँ पर अपने 48,000 फेवर में था और जबकि 36,000 एडवर्स में था तो 12,000 फेवर में आ गया। तो इस प्रकार से इसको हम एक प्रश्न के माध्यम से भी अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनसे और भी विभिन्न प्रकार के इनसे रिलेटेड भी प्रश्न और हैं, इनको हम और भी क्वेश्चनों के माध्यम से आज हम हल करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में भी आपके आते हैं, इनसे संबंधित कि सेल्स वेरिएंस किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। सेल्स वेरिएंस से संबंधित प्रश्न की हम जब चर्चा करें तो विभिन्न प्रश्न हैं जो कि सेल्स वेरिएंस पे आधारित हैं, और भी विभिन्न प्रश्नों की हम बात करें तो उनको आसानी से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसमें एक प्रश्न है जैसे एक्स लिमिटेड प्रोडक्ट बाय द सेल्स सिंगल वेरिएंस, एक प्रश्न है एक्स लिमिटेड प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ पर 9.34 का एक प्रश्न है एक्स लिमिटेड प्रोडक्ट्स एंड सेल्स ए सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम दी फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा ऑफ इट्स बजटेड एंड एक्चुअल सेल्स कंप्यूट सेल्स वेरियंस कंप्यूट सेल्स वेरियंस, जिसमें है अपने पास बजटेड सेल्स बराबर 20,000 यूनिट एट द रेट 10 रुपये पर यूनिट। एक्चुअल सेल्स 7500 यूनिट एट द रेट 9 रुपये पर यूनिट। एक है 15,000 यूनिट्स एट द रेट 10 रुपये पर यूनिट। तो इन प्रकार इसकी हम पहले तो ज्ञात करेंगे सेल्स वैल्यू वेरिएंस, तो एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड सेल्स। एक्चुअल सेल्स यहाँ पर अपनी आ गई, यहाँ पर 217,000 एक्चुअल सेल्स कैसे निकालेंगे। एक्चुअल सेल्स की जब हम गणना करेंगे एक्चुअल सेल्स अपनी आई यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस 7500 इनटू 9 प्लस 15,000 यूनिट 15,000 इनटू 10 तो ये आ गई 67,500 प्लस 150,000 बराबर 217,500। तो 217,500 यहाँ पर हमारे पास ये वेरिएंस के हिसाब से आ गया। तो 217,500 माइनस बजटेड सेल्स है। बजटेड सेल्स की हम बात करें क्योंकि बजटेड सेल्स आपको इसमें कैलकुलेट करनी है, तो बजटेड सेल्स हम कैसे निकालेंगे। बजटेड सेल्स बराबर बजटेड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 20,000 इनटू 10 बराबर 200,000। तो 200,000 ही हो गई, तो अपनी क्वांटिटी 200,000 है बजटेड सेल्स है, तो अपनी आ गई 17,500। तो 17,500 सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस अपने सामने आ गई, जिसको अपन आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसी क्रम में अगला हम निकाले इसमें सेल्स प्राइस वेरिएंस,
सेल्स प्राइस वेरिएंस बराबर एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल सेल्स प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, तो 9 माइनस 10 75,000 एडवांस आ गया यहाँ पर। 10 माइनस 10 15,000, तो ये यहाँ पर अपना नील आ गया है 7500 एडवर्स। वह क्या आ गया, सेल्स प्राइस। सेल्स वैल्यू वेरिएंस भी इस प्रकार से याद कर सकते हैं, सेल्स वैल्यू वेरिएंस बराबर एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू एसपी। तो 22,500 माइनस 20,000 इनटू 10, तो 25,000 यहाँ पर फेल हुआ। तो इस प्रकार हम सेल्स वेरिएंस की भी गणना आसानी से हम कर सकते हैं। ये भी एक अनसॉल्व क्वेश्चन है, क्योंकि जिसके आधार पे विभिन्न आयामों घटकों के आधार पे इनको आसानी से तैयार किया जा सकता है। इससे संबंधित प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं, जिससे एग्ज़ाम में आप इनके प्रश्न सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सेल्स वेरिएंस एक महत्वपूर्ण वेरिएंस की श्रेणी में आता है, जो कि एक सहायक है, जिनको अपन सही तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेल्स वेरिएंस की जब हम चर्चा करेंगे, तो उसी वेरिएंस पे आधार पे मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस के द्वारा उनको हम आसानी से तैयार भी कर सकते हैं। बहुत ही बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।